दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग की कुछ ऐसी गलतियां बताने जा रहा हूं, जिन गलतियों को जब तक आप करते रहेंगे आपको लॉस होता रहेगा, और जब इन गलतियों को करना बंद कर दोगे उसके बाद आपको लॉस होना बहुत कम हो जाएगा और ओवरऑल आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। सो दोस्तों पहली और सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि उनके पास जितना भी फंड होता है वो पूरा फंड एक ट्रेड में ही लगा देते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि अगर आपको लॉस हो जाता है तो उसके बाद आपके पास ट्रेड करने के लिए फंड ही नहीं होगा, और अगर आप दोबारा फंड ऐड भी कर लेते हैं तब भी आप दोबारा वही गलती करेंगे और आपको बार बार लॉस होता ही रहेगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की, अब अगर फर्स्ट डे ही आपको लॉस हो गया तब तो सब खत्म, क्योंकि आपके पास फंड ही नहीं होगा दोबारा ट्रेड करने के लिए। लेकिन मान लेते हैं कि आपकी किस्मत अच्छी थी और फर्स्ट डे ट्रेड करने पर आपको 5,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, यानी कि अब आपके पास 15,000 रुपए हो गए हैं। अब नेक्स्ट डे आप पूरे 15,000 लगाकर ट्रेड करेंगे। अब मान लीजिए कि दूसरे दिन भी आपको प्रॉफिट हो गया और वो 15,000 के 22,000 हो गए, और ऐसे कुछ दिन तक आपको लगातार प्रॉफिट होता रहा और आपके 10,000 के 50,000 रुपए हो गए। अब क्योंकि आपके पास जितना भी पैसा होता है आप वो पूरा पैसा ही ट्रेड में लगा देते हैं, तो अब आप 50,000 रुपए लगाएंगे और हमेशा तो आपको प्रॉफिट होता नहीं रहेगा। तो मान लेते हैं इस बार आपको 15,000 का लॉस हो गया। यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं फिर तो एक दिन में ही पूरा पैसा डूब सकता है। तो मान लेते हैं कि आपको 15,000 का लॉस हो गया, तो अब आपके पास 35,000 रुपीज बचे हैं। अब फिर से आप पूरा 35,000 रुपीज लगाकर दोबारा ट्रेड लेंगे। अब मान लेते हैं आपको फिर से 20,000 रुपीज का लॉस हो गया, तो अब आप लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और ट्रेड लेंगे, और ऐसा करते करते ज़्यादातर लोग जितना प्रॉफिट अर्न करते हैं उससे ज़्यादा लॉस करवा लेते हैं, क्योंकि जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना बड़ा प्रॉफिट तो होगा लेकिन उतना ही बड़ा लॉस भी हो सकता है। और जब प्रॉफिट होता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही लॉस होता है तब हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते और ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड करके पूरा लॉस करवा लेते हैं। तो यहाँ पर सही तरीका यह है कि आपको अपने पूरे फंड का यूज़ एक ट्रेड में नहीं करना है। अगर आप 10,000 रुपये से शुरू कर रहे हैं तो 2-3-4,000 यानी जितने में एक लॉट मिल जाए उतना ट्रेड करें, और ऐसे में आपको मान लेते हैं कि सिर्फ 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो आपके 10,000 के 11,000 हो गए। लेकिन अगर आपको लॉस होगा तो वो भी 1,000 का ही होगा, तो आपके पास तब भी 9,000 रुपए बचे होंगे, तो आप और भी ट्रेड ले पाएंगे। यहाँ पे भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो भले ही आपको 1,000 का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में तो 10,000 के 20,000 5 मिनट में बन सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से लॉस भी हो सकता है। तो स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस एंड इवन बेटर देन लॉस। तो स्टार्टिंग में आपका एम होना चाहिए कि आप जितने फंड से ट्रेड कर रहे हैं स्लो स्लो उतना प्रॉफिट अर्न करके अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना, ताकि आपका पैसा वापस आ जाए और आप प्रॉफिट से ही ट्रेड करें। और ऐसा करने पर ही आप लॉन्ग टर्म तक ट्रेड कर पाएंगे, जबकि सारा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देंगे तो एक दिन में ही सारा पैसा डूब भी सकता है। नाउ दोस्तों सेकंड गलती बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं ना तब तो आपको एंजल वन में अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक इंस्टा ट्रेड नाम का फीचर है जिसमें आप चार्ट को देखते वक्त ही ट्रेड ले सकते हैं। आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी चार्ट में ही नजर आ जाएगा, तो आप इजीली ट्रेड कर पाएंगे। इसके अलावा एक महीने के लिए ब्रोकरेज भी फ्री है, तो एंजल वन में फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाकर बनो स्मार्ट से वेरी स्मार्ट। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नाउ दोस्तों अगर आप वो हैं जो जब भी ट्रेड करते हैं उन्हें स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट नजर आता है लेकिन लास्ट में लॉस ही हो जाता है, तो समझ लीजिए आज से आपके बुरे दिन खत्म हो गए, क्योंकि अब मैं आपको जो गलती बता रहा हूँ इस गलती को आप जैसे ही करना बंद कर देंगे आपको लॉस होना भी बंद हो जाएगा, और वो गलती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज ना करना। दोस्तों स्टॉप लॉस के बारे में तो आपको पता ही होगा कि अगर आपने 500 रुपए का शेयर खरीदा और 490 का स्टॉप लॉस लगाया, तो अगर शेयर की प्राइस गिरती है तो 490 पर आपका शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और आपको सिर्फ 10 रुपए का ही लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। जबकि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो आपको पूरा लॉस भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस हमारे लॉस को लिमिट करता है, ऐसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी स्टॉप लॉस ही है, लेकिन इसमें हमें अपना स्टॉप लॉस चेंज करते रहना होता है। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 500 रुपए का शेयर खरीदा और 490 का स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन इस बार शेयर की प्राइस बढ़कर 520 रुपीज हो गई, तो अब आपने अपना स्टॉप लॉस 490 पर ही नहीं रखना है, उसको बढ़ाकर 510 रुपीज कर देना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस 0% हो जाएंगे, क्योंकि आपने 500 रुपीज में शेयर खरीदा है और अभी शेयर की प्राइस बढ़कर 520 चल रही है, यानी आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं और अब आपका स्टॉप लॉस 510 रुपीज है।
तो अब अगर शेयर की प्राइस गिरती भी है तब भी 510 रुपीज में आपका शेयर सेल हो जाएगा और आपको 10 रुपीज का प्रॉफिट होगा क्योंकि आपने 500 रुपीज में शेयर खरीदा है। अब मान लीजिए शेयर की प्राइस बढ़कर 550 हो गई तो अब आपको स्टॉप लॉस और बढ़ा देना है। अब आप 530 कर सकते हैं और ऐसे जब तक शेयर की प्राइस बढ़ती रहती है तब तक आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते रहो। इससे आपको लॉस होने के चांसेस जीरो हो जाएंगे और आपको प्रॉफिट ही होगा। दोस्तों तीसरी गलती होती है बिना किसी स्ट्रेटजी के ट्रेड करना। अगर आप बैंक निफ्टी का पुट या कॉल सिर्फ ये देखकर बाय कर रहे हैं कि उसकी प्राइस बढ़ रही है तो ज्यादातर केसेस में हो सकता है कि जैसे ही आप खरीदें उसके बाद प्राइस गिरने लग जाए क्योंकि आपने रेजिस्टेंस के पास खरीद लिया हो। तो ट्रेडिंग करते वक्त किसी ना किसी स्ट्रेटजी का यूज जरूर करें, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चार्ट पैटर्न हो या फिर कॉमन सेंस हो। लेकिन जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई वैलिड रीजन होना चाहिए कि क्यों आपने वो ट्रेड लिया है और क्यों उसकी प्राइस बढ़ेगी। वैसे बहुत सारी ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियोस डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। दोस्तों फोर्थ गलती है ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉन्ग टाइम तक पोजीशन बनाए रखना। कई बार आप ट्रेड लेते हैं और उसके बाद या तो मार्केट साइडवेज चल रहा होता है या फिर आप लॉस में चल रहे होते हैं, इसलिए आप सुबह से शाम तक एक ही ट्रेड में अटके रह जाते हैं। और कई बार तो लोग ओवरनाइट भी ऑप्शंस होल्ड कर लेते हैं ये सोचकर कि शायद प्रॉफिट हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग एक टाइम डिकेइंग एसेट है तो टाइम के साथ इसकी वैल्यू कम होती जाती है। इसलिए जितने लंबे टाइम तक आप एक ट्रेड को होल्ड करके रखेंगे उतने ही ज्यादा आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। 20 में से एक दो बार हो सकता है कि मार्केट बहुत ज्यादा आपके फेवर में चला जाए और आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन ज्यादातर केसेस में लॉस ही होता है। इसलिए आपको एक टाइम फ्रेम भी सोचकर रखना चाहिए कि कितनी देर अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप उस ट्रेड से निकल जाएंगे। और साथ ही आपने स्टॉप लॉस भी लगाया होगा तो आप एक ट्रेड में फंस कर अपना पूरा पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में जब भी आप पोजीशन लेते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक उसे होल्ड करने की गलती ना करें। दोस्तों पांचवी गलती होती है कंपलसरी ट्रेड करना या ओवर ट्रेड करना। जो भी लोग बस ये सोचकर ट्रेड लेते हैं कि यार बहुत देर से ट्रेड नहीं लिया, मजा नहीं आ रहा है, तो उन्हें लॉस की सजा मिल जाती है। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है ट्रेड करने की तो उस वक्त ट्रेड करना जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ट्रेड करने पर आपको प्रॉफिट हो सकता है तभी ट्रेड लें, और साथ ही साथ अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तो लालच की वजह से और ज्यादा ट्रेड ना करें। और अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो बिना सोचे समझे लॉस रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे और आपका लॉस बढ़ता जाएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखें। दोस्तों सिक्स्थ गलती होती है लोन लेकर ट्रेडिंग करना। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ना करें। मैं जानता हूँ कि आप लोग वहाँ पर स्किप कर देते हैं और इसमें मेरा लॉस है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ और बोलता रहूंगा, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति उस बात को सुनकर ये गलती ना करे तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने से बच सकता है। और इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप लोन लेकर या किसी फ्रेंड से पैसे लेकर ट्रेड करेंगे तो आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आपको लॉस दिखाई देगा आप डरने लगेंगे और उस डर की वजह से आपको लॉस होगा, और फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप बिना सोचे समझे डर में डिसीजन लेंगे जिससे आपका लॉस बढ़ता जाएगा और तब आप पैसे वापस नहीं कर पाएंगे और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए गलती ना करें। मैं उम्मीद करता हूं आप ये गलतियां नहीं करेंगे और आई होप कि आप सभी को प्रॉफिट हो। इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और एंजल वन में अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।